नमस्कार मित्रों, मैं अभय सिंह राव अनेक बातें चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं विविध विषय पर आपके समक्ष जानकारियाँ लेकर उपस्थित होता रहता हूँ। आज समाज चेतना के विषय में एक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप जानते हैं सामूहिक विवाह क्यों जरूरी है? समाज के अधिकतर परिवारों और लोगों का एक जगह, एक समय और एक साथ मिलने के लिए यह जरूरी है कि समाज में अनेक विवाह एक साथ हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हर घर में शादियों के समय में 10 से 12 कुमकुम पत्रिका या इनविटेशन आते हैं और सब जगह विवाह में उपस्थित होना आवश्यक होता है। ऐसे में आपाधापी मच जाती है और घर के में सदस्यों का एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाता है और समाज के हर रिश्तेदार के यहाँ जाना आवश्यक होता है। इसलिए व्यक्ति निजी वाहन या किराए के वाहन से 300 से 500 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है, क्योंकि उसे किसी रिश्तेदार को नाराज़ नहीं करना है, इसलिए उसे हर जगह जाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में वह व्यक्ति हर विवाह को अटेंड करना बहुत ज़रूरी समझता है और इसीलिए वह गाड़ी के माध्यम से आपाधापी करता है और सब जगह जाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही कारण से कई बार व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। समाज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में, आपाधापी में, भाग दौड़ में कई दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं और यहाँ तक कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए अगर सभी समाज के सभी जोड़ों का विवाह एक जगह हो जाए तो यह समाज के लिए बहुत ही उत्तम काम हो सकता है। इसके साथ ही एक बात यह भी होती है कि अगर समाज के सभी व्यक्ति वर्ष में एक या दो बार सामूहिक विवाह के काम के लिए इकट्ठे होते हैं तो पास की दूसरी समाज में संदेश जाता है कि समाज के लोग समझदार हैं, सामूहिक विवाह आयोजित कर समाज के अनावश्यक खर्च से होने वाले पैसे और समय को बचाकर समाज को प्रगति पथ पर ले जा रहे हैं। और ऐसा हमारे आसपास में कुछ एक समाज ऐसे हैं जो आज अपने समाज में सामूहिक विवाह आयोजित करते हैं, साथ ही अपने समय और धन की बचत भी करते हैं, समाज में आर्थिक लाभ मिलता है। हमारा लगभग एक विवाह का खर्च 6 से 10 लाख के बीच आता है। अगर हम 10 जोड़ों की बात करें तो 60 लाख होता है और अगर 50 जोड़ों की बात करें तो 3 करोड़ होता है। यह रकम बहुत बड़ी होती है और इस रकम को बचाने के लिए हम समाज में अगर सामूहिक विवाह करते हैं तो बहुत सारी रकम को बचा सकते हैं। और सामूहिक विवाह में औसतन अधिक से अधिक माना जाए तो भी 2 लाख रुपया खर्च होता है और 2 लाख रुपये और 50 जोड़ों के हिसाब से करो तो आपका 1 करोड़ रुपया ही खर्च होता है, 2 करोड़ रुपया बच जाता है, जो कि समाज में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही काम आता है। समाज का डेवलपमेंट बहुत उचित तरीके से होता है, समाज के प्रत्येक वर्ग का उचित विकास होता है, समाज में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता है और समाज के सभी वर्ग का पूर्ण विकास होने से समाज में चहुंओर खुशहाली आ जाती है। समाज की युवा पीढ़ी अपना व्यवसाय करने का मौका मिल जाता है और युवा पीढ़ी रोजगार मांगने वाली नहीं बनकर रोजगार देने वाली बन जाती है। और जब विशाल मात्रा में सर्वजातीय या अपनी जात की, अपनी समाज या अपनी जाति का अगर सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है तो विभिन्न प्रकार के समाज या विभिन्न प्रकार की जातियां सामूहिक विवाह कर रही है और इस सामूहिक विवाह से आज समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्धता देखने को आ रही है, देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा युवा बेरोजगार होने से बच रहा है, कर्जदार होने से बच रहा है और जो पैसे बच रहे हैं उससे युवा अपना रोजगार कर रहा है। आज का समय तो इतना आगे बढ़ गया है कि सरकारें भी विभिन्न समय पर सामूहिक विवाह कर समाज को निर्धनता के जाल में या कर्ज के जाल में डूबने से बचाने में मदद कर रही है। समाज का लाखों से करोड़ रुपया बचता जा रहा है और ये लाखों करोड़ रुपया अगर समाज के युवाओं के विकास में काम आ जाए तो इससे समाज के युवा 5 से 10 वर्ष में ही आर्थिक संपन्न समाज को खड़ा कर देंगे और इससे समाज के युवा पढ़े लिखे होंगे, युवा युवतियाँ अपना रोजगार और अपना करियर बनाने में पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे, समाज के युवाओं में समरसता की भावना पैदा हो जाएगी, प्रत्येक युवा समाज को एक साथ लेकर चलना चाहेगा और समाज का विकास करने में
पूरी भूमिका निभाएगा। समाज के अर्थ संपन्न होने से विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं समाज में होने लग जाएगी। समाज के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में हर तरह की सुविधाएं लोगों को मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि सामूहिक विवाह के नाम पर बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अगर एक एक विवाह हर घर में किया जाए तो कितने अनाज की बर्बादी होती है, कितने पैसों की बर्बादी होती है, हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। अगर यही विवाह व्यक्तिगत से लेकर के सामूहिक आ जाए तो समाज में बहुत कुछ बचत की जा सकती है और बहुत प्रोग्रेस की जा सकती है। समाज में विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादी धारणाएं, जैसे कपड़ों का लेन देन या अन्य प्रकार की चीज़ें जिनके उपयोग से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, और व्यापारी का फ़ायदा होता है लेकिन समाज के लोगों का नुकसान होता है, और हर घर में इसी के नाम से लाखों करोड़ों का कर्ज बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि समाज में जहाँ तक हो सके सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दें। समय समय पर अगर हम सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देंगे तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो सामूहिक विवाह को समाज में लागू करवाने में अपनी तरफ से जहाँ तक हो सके मदद करें, सहयोग करें। जय हिंद।